दोस्तों बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी खलनायक, और मैं उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस था कि सोचता था कि मैं भी कभी खलनायक बनूंगा। खैर मेरी ज़िंदगी में तो यह सब नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो अगले परिंदे हैं वो कभी गुनाहों की दुनिया के चमकते सितारे हुआ करते थे, पर आज वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए इस समाज के लिए नायक बन के जी रहे हैं। तो चलते हैं दिनेश गुर्जर के पास और सुनते हैं उनकी कहानी। स्कूलिंग में आते आते थोड़ा सा दबंग टाइप के होता गया, उसके बाद में किसी की दबंगाई बर्दाश्त भी नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे कॉलेज में और हमारा कभी जाटों से कभी राजपूतों से मुँह झोरी होने लग गई, कभी ये हो गया। फिर उसके बाद कॉलोनी में भी कभी कभी ऐसा मारपीट के छोटे मोटे कभी कभी मुकदमे हो गए, मारपीट की, कभी ये किया कभी वो किया। इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुएशन करीबन मेरा पूरा हुआ और मैं बैठा ही था कि मेरे दोस्त ने एक मेरे को सजेस्ट किया, यार जयपुर के अंदर होटल मैनेजमेंट हो रहा है, तेरा एडमिशन करवा देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ करवा दे। एक साल पूरा होने के बाद होटल मैनेजमेंट पूरा हुआ, वापस जोधपुर आया। जब वापस मैंने सोचा कि मेरे 5 साल उस टाइम मुकदमे थे, मैं मुकदमे ख़त्म करवा लेता हूँ फिर जब नौकरी करूँगा आराम से। काय की नौकरी, जब वापस आया तो और मुकदमे ख़त्म होने के बजाय और बढ़ गए, आते ही शुरू हो गए दमादम नए नए मुकदमे, कभी किसी के साथ मारपीट कभी किसी के साथ मारपीट, इस तरीके से 1986 के अंदर मेरे एक दोस्त के घर पे चोरी हो गई। तो दो पे लोगों पे हमको डाउट था, उन लोगों को ही डाउट था, उन लोगों ने उसको उठा लिया। जब वहाँ पहुँचे हम लोग मारपीट कर रहे थे, तो मैंने भी 2-4 अगर ऐसा नहीं बोलेगा, ये वो तार पड़े थे वहाँ पे, बिजली के जो तार होते हैं ना पुराने ही, उन तारों से मारने लगा वो लड़का, दहशत से ख़त्म हो गया। 86 से लेके 4 साल और कुछ 4.5 साल पर जो हमारा केस चला, 90 में हमको सजा हुई। 91 एंड में शायद मेरी दादी की डेथ हो गई, मुझे पैरोल मिली मुझे, पैरोल ख़त्म होने पर मैं वापस नहीं गया था एक्सपोर्ट। इसी दौरान पहली बार मैं इंटरनेशनल लोगों के संपर्क में आया, वो लोग प्योर हीरोइन बनाते थे, वाइट हीरोइन, ये ब्राउन शुगर में। हमने करीबन 2-3 महीने वहाँ काम किए, उसके बाद में वहाँ पकड़े गए। तिहाड़ जेल में ही पहली बार मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने का मौका मिला। वहाँ पे 3 दिन का एक कोर्स चल रहा था, मैं फ्री था, मेरे पास कोई काम था नहीं, तो उन्होंने कहा कि यार एक तरीका कोर्स है, कोई जाना चाहे तो। मेरा टाइम पास नहीं होता था तो मैं कहा चलो चल मैं चला जाता हूँ, मैंने भी नाम लिखा दिया। 3 दिन तक मैं पहली बार मेरे को वहाँ पे जब क्रिया के दौरान बैठा तो एक लाइट नज़र आई, यहाँ आँखें बंद करके मेडिटेशन में बैठते ना एक ब्लू सी लाइट नज़र आई, पहली बार ज़िंदगी में ये अनुभव था मेरा मेडिटेशन में बैठ के कुछ ऐसा अनुभव मिलने का। इसके बाद 2002 में उसके बाद से आर्ट ऑफ लिविंग के 1-2 टीचर वहाँ जेल में आते थे। धीरे धीरे जब मैं कोर्स करने लगा, आर्ट ऑफ लिविंग ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। शारीरिक रूप से भी मैं धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने लगा। 2011 में मैं रिलीज हुआ, फिर धीरे धीरे मैं आर्ट ऑफ लिविंग की एक्टिविटीज़ में, वहाँ जो लोकल एक्टिविटीज़ थी उनमें धीरे धीरे भाग लेने लगा। तो 2014 के लास्ट में जोधपुर में एक कोर्स हुआ, उसमें स्वामी परम तेज जी आए, तो उन्होंने अलग सेशन लिया, तो उन्होंने कहा कि 75% टॉक्सिन्स भोजन के थ्रू आ रहा है, कि आप तो जब तक आप भोजन अपना नहीं सुधारोगे आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हर एक कोई अच्छा खाना चाहता है लेकिन उगाना कोई नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं, तय कर लिया, मैंने कहा मैं खुद खेती करूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पैसे की कमी नहीं, अगर करेगा आदमी तो एक एक बीघा में 1,00,000 रुपया पर ईयर कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में भीड़ नहीं करके गाँव में रहें, गाँव में ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक तरह का सेंटर स्थापित हो, योग प्राणायाम का भी सेंटर हो, तो लोगों को अध्यात्म से भी जोड़ सकूं और अध्यात्म के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती से पूरी तरह से जोड़ सकूं। मेरा एम है कि इस साल के अंदर 1,000 बीघा ज़मीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इस तरह लोगों को मोटिवेट करूं मेरे साथ साथ, मेरा तो है ही है, लेकिन इसके अलावा 1,000 बीघा ज़मीन पर और ऑर्गेनिक खेती अगली फसल में हो, ये टारगेट है।